हे नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नाथ आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल मनोज नाथ ब्लॉग्स में। और आज दोस्तों हम लोग आए हैं चानिया ग्रीस, चानिया करके एक जगह है ग्रीस की, वहाँ पर तो देखते हैं क्या खास है चानिया ग्रीस में हमारे। तो लेट्स डू दिस। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में थोड़ा सा मैं आपको चानिया के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों चानिया जो एथेंस है, जो इनकी कैपिटल सिटी एथेंस है, बाय फ्लाइट यहाँ वहाँ से यहाँ आने में एक घंटा 15 मिनट लगते हैं। अगर आप हाई स्पीड फेरी बोट से आएंगे तो आपको 4 से 5 घंटे लगे। और इस आइलैंड के बारे में एक और रोचक बात है कि ये आइलैंड पूरा पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये थोड़ा, जो पिछले आइलैंड्स हमने देखे हैं उसके हिसाब से थोड़ा छोटा है। जैसे कल के आइलैंड के हिसाब से जो पिछला हमने आइलैंड देखा था पिछली वीडियो में, पिछली ग्रीस की वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप देख सकते हैं कि कौन सी वीडियो, कौन सी आइलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से क्षेत्रफल में ये छोटा है, मगर जो इसकी पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है बाकी और आइलैंड से। मेनलैंड की पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी क्योंकि उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, बट आइलैंड्स में जितने भी आइलैंड्स हैं सब आइलैंड्स में इसकी पॉपुलेशन, जो चानिया आइलैंड है उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो अभी हम सिटी के बीचों बीच घूम रहे हैं, मतलब कि ये रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ के। देखिए आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि किस तरह से लोगों के घर हैं इधर, किस तरह से लोग रहते हैं। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर दोस्तों हमको छोटे छोटे मार्केट्स मिल जाती है, छोटी छोटी दुकानें जो अपने जैसे खोखे होते हैं ना, सेम जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो वैसी दुकानों से आप मतलब कि कोई भी रिफ्रेशमेंट की चीज़ें ले सकते हैं। तो अभी दोस्तों मैं आपको एक सुपरमार्केट के अंदर लेके जा रहा हूँ, जो मेरे पीछे है सुपरमार्केट। सो उस सुपरमार्केट में जाके देखते हैं और देखते ग्रीस की सुपरमार्केट में क्या खास है। कुछ ज़्यादा बड़ी तो लग नहीं रही है मेरे को, बट फिर भी लेट्स सी कैसी है, एंड देन उसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या है और कैसे प्राइस रेट कैसी है अकॉर्डिंग टू इंडिया के हिसाब। सो जो उस कैफेलोनिया की सुपरमार्केट में हम लोग गए थे उससे तो काफ़ी बड़ी है ये, हर प्रकार की चीज़ें हैं। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि अकॉर्डिंग टू कैफेलोनिया और अकॉर्डिंग टू इंडिया के हिसाब से भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। मैं लाइक प्राइस तो अभी यूरोपियन प्राइस तो मिलेगा, बट और यूरोपियन कंट्रीज़ के हिसाब से उतनी एक्सपेंसिव नहीं है जितनी कि बाकी जगह पे होती है। सो अभी हम देखते हैं थोड़ा और दूसरी तरफ, देखते हैं क्या क्या सेक्शंस है। तो अभी मैं हेयर केयर सेक्शन में आया हूँ, वुमेन केयर एंड मेंस केयर ऊपर बोर्ड लगा है। सो आगे बाकी दूसरी साइड देखते हैं क्या क्या है यहाँ। बट हर एक जो मॉल में होता है या एक सुपरमार्केट, जैसे अपने बिग बाज़ार है और एक कौन सा है ऊपर इजी डे, सो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ हैं, वही सेम प्रिंसिपल्स पे हैं। आप लीजिए सामान, ये मतलब ये कुछ अलग सुपरमार्केट नहीं है इंडिया से। सो सेम टाइप की है अभी सारी चीज़ें और इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया जैसे US में या और यूरोपियन, इटली में, स्पेन में, जर्मनी में। सो ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, मेरे को नहीं लगी इतनी एक्सपेंसिव। सो दोस्तों अकॉर्डिंग टू बाकी यूरोपियन सिटी से बहुत ही सस्ता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बड़ी रेड बुल 355 ml वाली कहीं भी आपको 4 या 5 यूरो से कम की नहीं मिलती। जो छोटी इटली में जो छोटी रेड बुल है उसकी प्राइस 2 यूरो कुछ सेंट या 2 यूरो 10 सेंट, डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में गए हैं। बट मिनिमम अगर आप होलसेल में भी जाएंगे या बड़ी सुपरमार्केट में भी जाएंगे उसमें भी आपको $2 की ही, 2 यूरो की ही मिलेगी। वो छोटी वाली मैं कह रहा हूँ 180 ml की जो आती है, ये 355 की 188 यूरो
€1.88 की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी तो इंडिया के में भी नहीं होगी। अभी मैं एकदम सी के सामने बैठा हूँ, दूसरे मेरे सामने जो है वो फिशरमैन जहाँ अपनी बोट्स को डॉक करते हैं, और सर पहाड़ी, एकदम पहाड़ी के साथ ही पानी है, एकदम हरा पानी दिख रहा है, इतना अच्छा लग रहा है आपको। मेरे लुक आगे से मेरे ग्लास में भी दिख रहा होगा, नहीं तो मैं आपको दूसरे कैमरे से लुक दिखाता हूँ कितना आउटस्टैंडिंग व्यू लग रहा है, और हल्की हल्की मंद मंद हवा चल रही है जो कि चार चांद लगा रही है। सो दोस्तों, चानिया पूरा टूरिज्म पे नहीं है बेस पे, ये टूरिज्म पे डिपेंड नहीं है पूरा, यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे फेरी बोट्स की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जो जॉब प्रोवाइड करती हैं यहाँ के लोगों को, और यहाँ पे इंडस्ट्री है, और एक यहाँ पे बड़ा यूनिक चीज़ है यूरोप में, हर मैक्सिमम जगह में ग्रीस में मैंने देखा विंड टर्बाइन बहुत है, तो लाइन से पहाड़ों पे कम से कम अगर आप देखते जाएंगे तो 80-90 या 100 से भी ऊपर विंड टर्बाइन लगी हुई हैं, तो उनके टेक केयर के लिए भी लोगों को रखा जाता है, और फिश मार्केट, फिश बहुत, फिशरमैन बहुत हैं जो कि पूरे ग्रीस में और पूरे यूरोप में यहाँ से फिश सप्लाई करते हैं, तो इनका प्राइमरी मीन्स ओनली टूरिज्म नहीं है, ये हर चीज़ हर तरह के काम में इन्वॉल्व हैं, और ये आगे टूरिस्ट यहाँ ना भी आए तो ये ऐसा नहीं है कि इनका काम नहीं चलेगा। अभी दोस्तों हम चानिया सिटी की आउटर मार्केट में हैं, जो मेन सिटी की मार्केट है वो थोड़ी दूर है, तो अगली वीडियो में आप देखेंगे उस सिटी की मार्केट को, बट ये जो इधर छोटे से इस कस्बे की उस गांव की मार्केट है वो है, बट यहाँ पे बहुत शॉप्स हैं, इसे छोटा कस्बे की मार्केट ना समझिए, इसमें बहुत सारी शॉप्स, और यहाँ दो शॉप्स मेरे को बहुत देखने को मिली, एक तो पहली तो फ्लावर शॉप, हर 1.5 किलोमीटर के अंदर एक फ्लावर शॉप है, और दूसरी फिश मार्केट, ये दो तरह की शॉप्स यहाँ पे बहुत हैं, और ये भी कोई छोटी मार्केट नहीं है, यहाँ भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरीज हैं, और भी क्लोथ्स मार्केट है।
तो दोस्तों अभी बीच स्ट्रीट में एक इन्होंने एक छोटा सा पार्क बनाया है, जैसे कि आपने वीडियो में ऊपर देख ही रहे होंगे, और एक उसके सामने एक छोटे से वाटर फाउंटेन है जो, तो बहुत ही अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और अच्छा व्यू लग रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है इस समय यहाँ बैठ के। तो अभी दोस्तों मैं चान्या की वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को, आने वाली मेरी और चान्या की वीडियो आएंगी तो आप ज़रूर देखिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मैं ऐसे ही और सिटी से आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, तो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए धन्यवाद। जय हिंद, फिर मिलते हैं।